चुनाव से ठीक पहले मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। खजुराहो लोकसभा सीट पर पार्टी प्रत्याशी का पर्चा निरस्त हो गया है। इसको लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया। इसमें उन्होंने कहा कि खजुराहो सीट से इंडिया गठबंधन की सपा प्रत्याशी मीरा यादव का नामांकन निरस्त करना सरेआम लोकतंत्र की हत्या है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले समाजवादी पार्टी को मध्य प्रदेश में बड़ा झटका लगा है। यह खजुराहो लोकसभा सीट पर पार्टी प्रत्याशी मीरा दीपक यादव का पर्चा निरस्त हो गया। इंडिया गठबंधन सीट शेयरिंग में यह सीट सपा के खाते में गई थी। अब मीरा का पर्चा निरस्त होने से भाजपा प्रत्याशी की जीत तय मानी जा रही है। बीजेपी ने यहां से प्रदेश प्रमुख वीडी शर्मा को टिकट दिया है। बताया जा रहा है कि मतदाता सूची में नाम को लेकर वोटर लिस्ट की प्रमाणित कॉपी संलग्न नहीं की गई थी। इस पर पन्ना जिला निर्वाचन अधिकारी सुरेश कुमार ने फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया। इसकी जानकारी मिलने पर सपा प्रत्याशी मीरा पन्ना कलेक्टर के पास पहुंची और करेक्शन के लिए समय मांगा गया, लेकिन समय नहीं मिला। इसको लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया है। इसमें उन्होंने कहा, खजुराहो सीट से इंडिया गठबंधन की सपा प्रत्याशी मीरा यादव का नामांकन निरस्त करना सरेआम लोकतंत्र की हत्या है। कहा जा रहा है कि हस्ताक्षर नहीं थे तो फिर देखने वाले अधिकारी ने फॉर्म लिया ही क्यों। उन्होंने आगे कहा कि ये सब बहाने हैं और हार चुकी बीजेपी की हताशा जो न्यायालय के कैमरे के सामने छल कर सकती है, वो फॉर्म मिलने के बाद पीठ पीछे क्या क्या साजिश रचते होंगे। भाजपा बात में ही नहीं काम में भी झूठी है और प्रशासनिक तंत्र को भ्रष्ट बनाने की दोषी भी है। इस घटना की न्यायिक जांच हो, किसी का पर्चा निरस्त करना लोकतांत्रिक अपराध है। बताते चले, समाजवादी पार्टी ने यहां से पहले मनोज यादव को टिकट दिया था, फिर मनोज का टिकट काटकर मीरा को प्रत्याशी घोषित किया। बीते चुनाव में इस सीट से बीजेपी के बीडी शर्मा ने जीत हासिल की थी। इस चुनाव में सपा ने वीर सिंह पटेल को चुनावी मैदान में उतारा था। बात करें मीरा की तो वो विधायक रह चुकी हैं। उनके पति दीप नारायण यादव प्रदेश के कद्दावर नेताओं में शुमार हैं। वो भी दो बार विधायक रह चुके हैं।